बैतूल जीआरपी को सूचना मिली कि स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में विवाद हो गया है। पेंट्री कार स्टाफ ने पूर्व सैनिक के साथ मारपीट। ट्रेन जैसे ही बैतूल स्टेशन पर पहुंची, जीआरपी ने घायल पूर्व सैनिक एवं पेंट्री कार स्टाफ के साथ कुछ अन्य लोगों को बैतूल में उतार दिया। घायल पूर्व सैनिक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल पूर्व सैनिक विलास नाइक उनकी पत्नी व बच्चे के साथ हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रहे थे। कोच में हजरत निजामुद्दीन के मरकज से शामिल होकर कुछ मुस्लिम समाज के लोग विजयवाड़ा जा रहे थे। मुस्लिम समाज के लोग ट्रेन में समय समय पर नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान विलास नाइक को टॉयलेट जाना था। उन्होंने इस बात पर विरोध जताया कि रास्ते में बैठकर नमाज क्यों पढ़ रहे हो। विलास नाइक ने भी कोच के रास्ते में बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर। इसी दौरान पेंट्री कार स्टाफ वहां से निकलना चाह रहे थे। विलास ने उन्हें निकलने नहीं। विलास का कहना था कि जब मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो उन्हें क्यों नहीं रोका गया। अगर अब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्हें क्यों उठाया जा रहा। लगभग आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पेंट्री कार मैनेजर ने आकर विलास नायक से बातचीत की तो हाथापाई की वो बता। पेंट्री कार के लड़कों ने पूर्व सैनिक विलास नायक के साथ मारपीट कर। पेंट्री कार मैनेजर हरवेश श्रीवास्तव का कहना है कि जब हम विलास नायक को हटाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, गर्दन पर चोट भी लगी। इसको लेकर हमारे लड़कों ने उनकी पिटाई कर जिससे उनकी नाक में खून बह गया। इसके बाद विलास नायक अपने आप को मारना शुरू कर दिया और सीट पर सिर पटकना शुरू कर दिया। तो मानसून संतुलन खराब है। पहले तो इनसे ही नमाज वगैरह मुझे जाने दो, बात समझाना। तो इन्होंने कहा 5 मिनट का है, थोड़ा रुकिए, मारी नहीं जाता। तो फिर इनका नमाज अब कहने लगा मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। जब वो नमाज पढ़ रहे तो उनको क्यों नहीं रोका, हमको क्यों रोक रहे हैं आप? ऐसे पैर पसार के जाने दे रहा। अब एक दो लड़का जाने की कोशिश भी करे तो पैर उठा देता, गिर पड़ते। अब वो मेरे पास आए, भाई आप चले जाओ, आप ऐसे कैसे बैठे हो, तू कौन होता? मेरे में धक्का दिया और मेरे को शर्ट पार दी, मेरे थी शर्ट थी वो मार दिया और धक्का दिया। तो इतने में लड़कों ने देखा हमारे सीनियर को मार रहे, एक ने उठा के यहाँ पर जरूरत है थोड़ा उधर खाली है उधर से चले जाए। हमने कहा, उन्होंने कहा नहीं हमें इधर से ही जाना है, हमें वहाँ इधर ही जाएंगे। फिर आपको फिर हमने बात चली रही थी, हमारी नमाज ख़त्म हो गई। नमाज ख़त्म हो गई, हम बाजू में आके बैठ गए। बैठने और उन्होंने कहा कि अब आपने आपके तो किसी ने नहीं हिलाया नमाज पढ़ते वक्त, अब हम पूजा करेंगे दिन भर यहीं पर, अब हमें कोई ना हिलाता है देखेंगे हम। तो हमने कुछ नहीं कहा, हम बाजू में बैठ गए। वो दोनों पाँव ऐसे सीट में रख के बैठ गया और कैटरिंग वाले आ रहे थे, उनको सप्लाई करने का था ज़रूरी। एक दो साथी आए, उनको कहा कि वापस चले, आप नहीं जाना, हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। वो वापस दो तीन आदमी तो वापस चले गए। मेरा ऐसे ही 20-30 मिनट गुजर गए। गुजरने के बाद कैटरिंग वाले सर जी आए थे, उन्होंने वो बहुत लफड़ा कर रहा था इसलिए इन्हें उन्होंने पीटा था। उस सीट डिब्बे के अंदर दोनों साइड में 5-6 मुस्लिम भाई भी बैठे थे। उन्होंने सवेरे 5:15 पर रास्ते में बीच में रास्ते में नमाज पढ़ रहे, इसी साइड में भी उसी साइड में भी। ट्रेन उसी समय शुरू हो गया था, ऐसा मैं घूमते घूमते गया। अरे यार दोनों साइड में ब्लॉक करके रखा है, मैं आके बैठ गया। हमारा फैमिली ने बोला छोड़ दो, बोला बाद में जाओ। तो उसके बाद 5 मिनट के बाद वो उठ गए। उसके बाद 1:30 से हम कार्रवाई, पता नहीं क्या। मैं 1:30 भी मेरे को पेशाब आ गया, लेटरिन भी आ रहा था वैसा, मैं जा रहा था उस समय भी वही है। और शाम को तकरीबन 5:15 वही कार्रवाई, मेरे को दोबारा पेशाब के लिए आ गया, पता नहीं क्या कारण, लेकिन पेशाब ऐसा ही मैं बैठे बैठे जाते ही रहता हूँ। तो मैं पेशाब के लिए जा रहा था, फिर वही मैं बोला जो उधर उनका नमाज चल रहा था, मैं बोला भाई थोड़ा जाने दो मेरे को, साइड हो जाओ। उनके दो बंदे नमाज पढ़ रहे थे एक साइड में, एक साइड में कितने थे पता नहीं। तो मैं बोला भाई मेरे को जाने दो, बोला नहीं नहीं हमारा नमाज चल रहा है, रोज़ा का नमाज चल रहा है, नहीं जाना है। मैं बोला यार ये आम रास्ता है इधर, ट्रेन में से हम कहाँ से जाएंगे अभी। तो उसने बोला नहीं नहीं आप जाना नहीं। अरे यार बोला मेरे को जाना है, जाने दो यार पेशाब के लिए, अभी कैसा मैं रुको। बोला पहला भी 2-3 ऐसे मेरे को ये ओके है, बोला आप लोगों ने, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, जाने दो नहीं।
सर क्या मामला हुआ? बोला नहीं जाने दो, नहीं बोला जाना ही नहीं करके उसने रास्ता रोक दिया, रास्ता रोक दिया। फिर मैं बोला यार ऐसे देख लो, हमने थोड़ा सा पैर बीच में डालने के बाद कोई धक्का मारते जाता है, कोई कुछ करता है, जाने दो, बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये देख लो कार्रवाई क्या है। तो मैं बोला यार आप लोग ऐसा करते हैं जिस वजह से लोगों को परेशानी होता है, आप लोगों को ये यही रास्ता मिला कि बीच में से जाने का छोड़, आप लोगों को जो नमाज पढ़ना है अपना सीट पर पढ़ो, दोनों सीट के बीच में भी क्या पड़ता है उधर पढ़ो, अगर पढ़ना ही है तो पढ़ो, ऐसा कोई हमारा को पढ़ो बिड़ो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बीच में क्यों करते, किसी का ट्रेन निकलने वाला रहता है, किसी को दूसरे स्टेशन में जाना रहता है, किसी को पेशाब आता है, कोई बाकी जो पेंट्री वाले उनको भी खाना देना है चाय देना है, आप लोग बीच में क्यों पढ़ते? पेंट्री कार वालों और रिटायर फौजी के बीच में झगड़ा हो गया, फौजी को नाक में चोट लग गई थी, खून आ गया था, जिसका मेडिकल कराने भेजा था तो वो भर्ती हो गए हैं, और हम जाके FIR लेते हैं जी पेंट्री कार वालों के विरुद्ध। क्या कारण सामने आया? सामने निकलने पे से विवाद हुआ है, कोच से आगे पीछे जाने से, पेंट्री कार के वेंडरों को उसने फौजी ने शायद रोक दिया है, वो बता रहा है हमें रोक दिया था, हमें निकलने नहीं दे रहे थे, इस पास से विवाद हुआ है। कुछ मुस्लिम वो भी उतार रहे, मुस्लिम तो वो साइड में नमाज पढ़ रहे थे, उनका और इसका विवाद नहीं है, झड़ाई झगड़ा का उसका ऐसा कहीं झगड़े का उन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो वो मुस्लिम हैं जो आपने रोका, उन्होंने कहा है कि वो नमाज को लेकर विवाद हुआ था? नहीं नहीं, नहीं। उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं, वो फौजी रिटायर फौजी ने बताया कि ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। तो नमाज को लेकर विवाद हुआ क्या? नहीं नमाज को लेकर विवाद नहीं, कैटरिंग का विवाद, झगड़ा तो कैंटीन वालों का और फौजी का होगा।